तो हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं रांची आया हुआ हूँ। तो रांची में मैं जिस होटल में रुका हुआ हूँ, आज मैं उस होटल का टूर देने वाला हूँ। अगर आप लोग भी रांची आ रहे हैं तो कहाँ पे रुक सकते हैं, कितना सस्ता आप लोग को रूम यहाँ मिल सकता है, प्राइवेट रूम कितना का हो सकता है, जंक्शन से कितना दूर पड़ेगा, और एक बात, अगर आप कपल्स में आ रहे हो तो कहाँ पे रुक सकते हो, और आपको क्या-क्या होटल में जाने से पहले करना होगा, ये सब कुछ डिटेल्स मैं इस वीडियो में दूंगा। सो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you रूम का लाइटिंग कंडीशन थोड़ा सा खराब है, सो आई होप कि आप लोग मैनेज कर लेंगे क्योंकि रूम में लाइट्स बहुत कम लगे हुए हैं। सो अब बात करते हैं कि अभी मैं कहाँ पे रुका हुआ हूँ। तो मैं अभी ओयो का एक प्रॉपर्टी है वहीं पे रुका हुआ हूँ, और इसका डिटेल्स मैं होटल नंबर या गूगल मैप या फिर बुकिंग लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं कि ये होटल रांची जंक्शन से कितना दूर है। तो रांची से ये ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 किलोमीटर दूर पड़ेगा आपको। आप यहाँ इजीली आ सकते हैं। आपको वहाँ से बिरसा मुंडा चौक आना होगा, 10-20 रुपया वहाँ का किराया है, और फिर वहाँ से आपको एक गाड़ी लेकर सिंह मोड़ आना होगा, जिसका प्राइस आप लोग को 10 रुपये पे करना होगा, और वहाँ से 500-600 मीटर पे ये होटल लोकेटेड है। सो आप लोग इजीली इसे फाइंड कर सकते हैं। और बात करते हैं कि हटिया रेलवे स्टेशन से कितना दूर है। तो हटिया रेलवे स्टेशन से ऑलमोस्ट 2 या 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो वहां से भी आप लोग इजिली आ सकते हैं। कुछ भी डिटेल्स देने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले इसका एक छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ। तो चलिए बैक कैमरा से दिखाता हूँ क्या कुछ है इस रूम में। यही है कुछ बेसिक सा रूम, देख लीजिए आप लोग। रूम काफी छोटा है बट ठीक है, कोई बात नहीं। इधर में बेड लगा हुआ है और मेन गेट, उधर से एंटर करते हैं तो आपको टीवी वगैरह देखने को मिलता है। इधर में अपना ड्रावर लगा हुआ है जो कि ठीक ठाक है। अंदर में अपना सामान पड़ा हुआ देख सकते हैं, बैग दोनों लोग का, और इधर में एसी वगैरह दिया हुआ है। काफ़ी कॉमन रूम है, बेसिक सा रूम है, और इधर में टेलीफोन, आप खाना वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं कॉल करके, और ये रहा सामान वगैरह रखने के लिए जिसमें अपना वॉलेट वगैरह पड़ा हुआ है। इधर में एक डस्टबिन। चलिए अब वॉशरूम दिखा देता हूँ। तो यही है वॉशरूम, आप लोग देख लीजिए वॉशरूम कितना छोटा है। वॉशरूम काफ़ी छोटा है इनका, और इसमें मिरर भी नहीं दिया गया है। मिरर होता तो थोड़ा सा और अच्छा होता। और इधर में आपको बाकी हैंड वॉश और बॉडी वॉश वगैरह, लिक्विड सोप वगैरह मिल जाएगा। उधर में गीजर लगा हुआ है तो आप लोग ठंडा के दिन में भी आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इधर में विंडो लगा हुआ है जिससे कुछ इस टाइप का व्यू आता है, अपने रूम से कुछ इस टाइप का व्यू आता है, आप लोग देख लीजिए। रूम से बाहर का व्यू दिखा देते हैं कुछ क्या कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बरामदा टाइप का बना हुआ है जिसमें आपको 2 फ्रिज लगा हुआ दिख रहा होगा, जिसमें अगर आप लोग पानी वगैरह पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं। ढेर सारा बोतल रखा हुआ है, आप पानी वगैरह पी सकते हैं। और ये रहा इधर से विंडो, इधर का व्यू कुछ इस प्रकार है। और इधर में है किचन जो कि ऑनर का पर्सनल यूज के लिए है। और हाँ, एक चीज़ तो मैंने आपको बताना भूल ही गया, इस होटल में आपको लिफ्ट वगैरह भी मिल जाएगा। सो सीढ़ी से आने जाने का जो लफड़ा है वो नहीं है, आप लोग इजीली लिफ्ट से आ जा सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को आज का ये रूम टूर अच्छा लगा होगा। सो चलिए बाकी बातें कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे जो है ना ठंडा सा माहौल हो रखा है, तो एसी भी कोई काम का नहीं है। रात भर ठंडा में ब्लैंकेट ओढ़ के सोए हैं और एसी पूरा ऑफ था। सो चलिए बाकी डिटेल्स जो भी है जान लेते हैं। As you fade away, yeah.
इसका जो बेड है ना भैया, काफी कंफर्टेबल है। रात में जो नींद आया है ना, पता ही नहीं चला कब नींद आया, और सुबह में 7 बजे सोकर उठे हैं, तो बेड काफी कंफर्टेबल है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ऑनर ऑफ स्टाफ कैसे हैं। तो बिहेवियर वाइज बहुत अच्छे हैं, और हाँ, इस होटल का साफ सफाई भी अच्छा है, और ये काफ़ी शांत लोकेशन में लोकेटेड है। मैं कोई भी होटल बुक करता हूँ और उसका ब्लॉग बनाता हूँ या वीडियो बनाता हूँ, तो आपका जो सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन होता है कि वो होटल जिसमें मैं स्टे कर रहा हूँ वो कपल फ्रेंडली है कि नहीं। तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ और इस वीडियो में बता रहा हूँ, ओयो का शायद ही वैसा कोई प्रॉपर्टी होगा जो कपल फ्रेंडली नहीं होता है, और मोस्टली जो होता है ओयो का प्रॉपर्टी वो कपल फ्रेंडली ही होता है। तो हर वीडियो में बताता हूँ और इस वीडियो में बता रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कपल फ्रेंडली है। बस इसके लिए आप लोगों को अपना वैलिड आईडी प्रूफ लाना होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो आईडी जो है 18+ अगर आप लोग हैं तभी एक्सेप्ट होगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। मैं आपको नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग देख लेना। और अब बात करते हैं कि ये जो होटल है ना, ये मुझे कितने का पड़ा। तो ये होटल मैंने बुक किया है 1000 समथिंग में। ये जो है टाइम टू टाइम ऊपर नीचे प्राइस होते रहता है, बट फिर भी आपको ये होटल 800 से 1200 के बीच में कभी भी आप बुक कर सकते हैं। तो उस प्राइस रेंज के हिसाब से ये होटल मुझे थोड़ा सा एवरेज लगा। इसमें टॉवल्स वगैरह दे देते और थोड़ा सा जो है ना इसका क्या बोलते हैं टॉयलेटरीज वगैरह इम्प्रूव कर देते, और बाथरूम में मिरर वगैरह दे देते तो थोड़ा सा सही हो जाता। और बाकी सब कुछ सही है, स्टाफ बिहेवियर भी सही है, लोकेशन वाइज भी सही है। सो इसके लिए 1 लाइक तो बनता ही है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो 1 लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि और क्या कुछ ऐड करना चाहिए था, और जो भी आपका क्वेश्चन वगैरह हो कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ, कीप सपोर्टिंग।